अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक धरती की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद जान जैब एक बार फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। तो काफ़ी भाई कमेंट्स करके कह रहे थे और कॉल करके कह रहे थे कि आया जो आप दरवाज़े लगा के दे रहे हैं और अदरवाइज जो कि बिजली का काम कर रहे हैं उसकी हमें एक वीडियो बना के या घर की कंप्लीट वीडियो बना के हमें शेयर करें। तो मोबाइल में इतनी बड़ी जो होती है वो हम नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने सोचा आज मैं एक कम्प्लीट वीडियो बना देता हूँ कि आया हम कौन कौन सी चीज़ लगा के दे रहे हैं। और दूसरा माशाल्लाह ये आप माशाल्लाह मेरे पीछे घर देख सकते हैं, यहाँ माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं आ गया हूँ, मैंने देखा है कि माशाल्लाह जो दरवाजे हैं वो भी बहुत पायदार है। मैं मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये आप माशाल्लाह किचन का दरवाज़ा लगा हुआ है और ये दरवाज़ा तकरीबन फैबर का दरवाज़ा है, ना तो इस पर पानी का कोई असर होता है और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई जंग लगता है और बहुत ही पायदार दरवाज़ा है, तकरीबन बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। इसके अलावा अगर हम अंदर का आपको मुआयना करवाएं तो ये मुआयना आप दे सकते हैं, उन्होंने जो बिजली का काम है वो कर दिया है और बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं। अभी इसमें तकरीबन सफेदी का काम रहता है, सफेदी का काम है इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस साइड पर आए तो ये एक कमरा है जिसका हम बना के दे रहे हैं माशाल्लाह। कमरा की भी तकरीबन 11x12 का कमरा है, नीचे उन्होंने कच्चा करके दिया, प्लस्तर करके एक रेड ही दिया, बस इसमें भी सफेदी का काम रहता है आप ये देख सकते हैं। तो वायरिंग भी उन्होंने माशाल्लाह ये चाइना पट्टी वाली कर दी है, बहुत ही उमदा तरीके से माशाल्लाह ये घर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये आगे बाथ आ जाता है, बाथ की तकरीबन मुझे लगता है जो सीवरेज है वो डल गई है लेकिन अभी शीट नहीं लगी क्योंकि काम चल रहा है तो शीट बाद में लगाएंगे। और इसमें भी माशाल्लाह फैबर के दरवाजे लगे हैं, इसकी जो कुंडे होते हैं जो बाथ करने वाले लॉक वो रहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो ये भी तकरीबन जो सोसाइटी बना के देती है एक कमरा, एक किचन, एक बाथ, बाउंड्री वॉल, मेन गेट और आरसीसी लेंटर। अगर मेरे कैमरे मैन आपको दिखा सके जो आगे उन्होंने लेंटर डाला उसके लिए उन्होंने सरिये छोड़ दिए हैं। तो भी बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत साफ कर दिया है, सीवरेज वगैरह डाल दी गई, बस इसकी थोड़ी बहुत तैयारी का काम रहता है, इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर इसकी तैयारी की मुकम्मल हो जाएगी। तो जो टाइम लेते हैं वो तकरीबन 50 दिन का टाइम लेते हैं, उससे भी कोई एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको 22 लाख में 5 मरले का घर मिल जाता है, वो भी शहर लाहौर में। अदरवाइज़ आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ 5 मरले के प्लाट की जो कीमत होती है वो तकरीबन 40 से 45 लाख होती है, लेकिन यहाँ आपको 5 मरले का घर जिसमें एक कमरा, एक किचन, एक बाथ, बाउंड्री वॉल और वो माशाल्लाह तैयार करके देते हैं। माशाल्लाह आपने ये देखा है बहुत ही कमाल के दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं। अब इसका रंग का काम रहता है, तैयारी का काम रहता है, वो भी हो जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप थीम पार्क व्यू का विज़िट करें। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें मैं इसकी जो लोकेशन है वो बता देता हूँ, मेन मुल्तान रोड नियर चूंग स्टॉप, बिल्कुल चूंग स्टॉप के करीब थीम पार्क व्यू फेस 1 है, ठोकर से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत है। अगर इसके अलावा जो दूसरे शहरों में मैं बात करूं तो जैसे कि रावलपिंडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी खुशी मोहम्मद साहब घर बना के दे रहे हैं, बाबू साहब अंदरून शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन थीम पार्क व्यू ने उधर भी घर स्टार्ट कर दिए हैं, दाता अली जी वेरी फेज़ 8 में। और दूसरा जो कि लाहौर से अगर बाहर चले जाएँ तो रायवंड वाली साइड पे फिरोजपुरा वाले रोड पे उधर भी सोए आसे रोड पे जो हमारा थीम पार्क व्यू फेज़ ऑर्चर्ड था उसमें भी अब घर स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी चल रही है, अदरवाइज दूसरे काम भी चल रहे हैं। और अगर हम मेन बुलेवार्ड रोड की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसका मेन बुलेवार्ड 80 फुट का और इसकी जितनी भी स्ट्रीट हैं 30-40 फुट की हैं और 50 फुट के बड़े रोड हैं। और दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इस सोसाइटी में फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, सबसे बड़ी जो ज़रूरियात हैं ये दो ही होती हैं कि आया अगर आप इधर रिहाइश पजीर हैं तो आप अपने बच्चों को कहाँ तलीम दें। तो इस लिहाज से, तलीम के लिहाज से हाजी खुशी मोहम्मद साहब ने फ्री स्कूल दिया हुआ है और सेहत के लिहाज से उन्होंने फ्री एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। इसके अलावा हर ब्लॉक में अपनी पार्क और मस्जिद, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद और पार्क बनाए गए हैं। अदरवाइज़ मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, हमसे राबता कर सकते हैं, अपना प्लॉट, अपना घर, कमर्शियल प्लॉट और किसी भी किस्म की इस सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमसे राबता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।